फ्रेंड्स, दिस इज़ चारू जैन। वेलकम टू DPSC लर्नर्स। मैं आज इस वीडियो में सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट जेंडर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, उसकी यूनिट थ्री है आपकी जेंडर एंड सोशल कंस्ट्रक्ट्स। तो यूनिट थ्री का टॉपिक फर्स्ट आपका कंसेप्ट ऑफ जेंडर है एंड डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। तो डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स और जेंडर के बारे में बताऊँगी, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज जेंडर? तो जेंडर और सेक्स, ये दोनों टर्म्स जो है बहुत ज़्यादा इंटरचेंजेबल है और हम लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि एक्चुअली व्हाट इज जेंडर एंड व्हाट इज सेक्स, क्योंकि कभी कभी फॉर्म्स में भी लिखा होता है कि सेक्स पे टिक करना है तो भी हम फीमेल पे टिक करेंगे, जेंडर पे टिक करना है तो भी हम फीमेल पे करते हैं, बट इंटरनली हमें नहीं पता कि वॉट इज़ द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स। कि एक्चुअली में कोई लॉजिक तो होगा, क्या लॉजिक है कि जेंडर और सेक्स दोनों एक अलग अलग टर्म्स है, तो वो मैं आपको बताती हूँ। जेंडर क्या होता है? जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड टर्म है और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड टर्म है। इट मीन्स जेंडर में जो है, मैंने बोला सोशली कंस्ट्रक्टेड, मीन्स ये हमारी सोसाइटी ने, हमारी फैमिलीज ने, इन सब ने बनाया है। लेकिन जो सेक्स है वो हमारा बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड है, मीन्स बाय बर्थ और जैसे भी है हमारा वो बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड है। और क्या बता सकते हैं हम जेंडर के बारे में? कि जेंडर जो है हम चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल कि हम लड़कों के कपड़े पहन लें लड़कियाँ, ये लड़के लड़कियों के कपड़े पहन लें, तो जेंडर कैन बी चेंजेबल बट सेक्स रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द कल्चर। सेक्स सेम रहता है और जेंडर जो है चेंज हम कर सकते हैं बाय वेयरिंग मेंस क्लोथ्स। तो ये थे बेसिक से डिफरेंस। अब मैं बात करूँ प्रॉपर जेंडर की, कि जेंडर होता क्या है। तो जेंडर जो है वो एक्सपेक्टेशंस, हमारी नॉर्म्स, हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे रूल्स, हमारे रोल्स, क्योंकि हर एक पर्सनालिटी के जेंडर रोल्स होते हैं। मैस्कुलिनिटी के भी जेंडर रोल्स हैं, फेमिनिनिटी के भी जेंडर रोल्स हैं। तो जेंडर में क्या होता है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ जेंडर बेस्ड कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, जैसे कि पिंक फॉर गर्ल्स एंड ब्लू फॉर बॉयज़, ये हम लोगों ने बना रखे हैं कि नहीं, गर्ल है तो इसके लिए पिंक आउटफिट्स लाएंगे, फ्लावर्स लाएंगे, लेकिन ये बॉय है और इसको हम ब्लू देंगे, ब्लैक देंगे। बट नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मैं एग्जांपल दूँ एक आर्टिकल का, तो US में क्या है, उल्टा है, पिंक बॉयज़ के लिए है, ब्लू गर्ल्स के लिए है। या फिर हम भी कर सकते हैं, आजकल की कुछ कुछ गर्ल्स होती हैं उन्हें पिंक नहीं पसंद, उन्हें ब्लैक पसंद होता है, तो उसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि वो बॉय है। तो ये डिपेंड करता है हमारी थिंकिंग पर, हमारे नॉर्म्स पर, हमारी एक्सपेक्टेशंस पर। अब मैं बात करूँ जेंडर रोल्स की। तो जेंडर रोल्स क्या होता है कि मैं एज अ गर्ल, मेरे कुछ रोल्स हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्योंकि जो हमारी इंडियन सोसाइटी है या फिर जो सोसाइटी है, यहाँ पर कहा जाता है कि गर्ल्स के लिए घर का काम एंड बॉयज़ के लिए वो कमा कर लाएंगे, वो घर को चलाएंगे। बट आज के जो फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट है हमारा, ऐसे सिनेरियो में तो नहीं है, दोनों कमाते हैं, गर्ल्स भी बॉयज़ भी। बट जो माना जाता है कि गर्ल्स जो होंगी वो हाउसवाइफ ही हैं और बॉयज़ ब्रेड विनर, मीन्स वो घर चलाएंगे, घर के लिए कमा कर लाएंगे। तो ये होते हैं जेंडर रोल्स। मैं एक लड़की हूँ, मुझे खाना बनाना है, मुझे घर में रहना है, मुझे बच्चों को पालना है, मुझे कपड़े धोने हैं, सिर्फ यही। और बॉयज़ बाहर रहेंगे, बाहर का काम करेंगे, कमाएंगे, वो लोग आउटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, नाइट आउट भी कर सकते हैं, बट मी एज अ गर्ल, मुझे ये सब अलाउ नहीं है। तो ये होता है जेंडर रोल्स। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा जेंडर का कंसेप्ट के बारे में बताया कि जेंडर जो एक 2D कंसेप्ट होता है, इसके कुछ रोल्स होते हैं और रोल्स के साथ साथ जेंडर बेस्ड कंस्ट्रक्ट्स होते हैं कि ये बॉयज़ के लिए ही है और ये गर्ल्स के लिए भी है। तो आप ये सब लिख सकते हो कंसेप्ट ऑफ जेंडर में। अब मैं बात करूँ डिफरेंस बिटवीन
सकते हो. जैसे फर्स्ट पॉइंट है, इट रिफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, बिलीव्स, एक्सपेक्टेशंस, बिहेवियर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स. मीन्स जो हमारी सोसाइटी ने बता रखा है कि गर्ल्स को ये करना है, बॉयज को ये करना है, तो जेंडर उसके अकॉर्डिंग ही माना जाता है. बट ऑन द अदर साइड मैं बात करूँ सेक्स की, तो सेक्स इज अ बायोलॉजिकल टर्म. मीन्स ये बायोलॉजिकली जो असाइन हो गया है वही रहेगा. नेक्स्ट पॉइंट है इट वेरीज अकॉर्डिंगली. मीन्स जेंडर चेंज कर सकते हैं हम, बट इसमें मैं बात करूँ तो इट रिमेन सेम थ्रू आउट द कल्चर. ये सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर इसके साथ साथ एग्जाम्पल लिख सकते हैं. आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि वेयरिंग ऑफ मेंस क्लोथ बाय वुमेन, लड़कों के कपड़े लड़कियों ने पहन लिए या लड़कियों के कपड़े लड़कों ने पहन लिए, जैसे कि धोती कुर्ता वगैरह आजकल लड़कियाँ भी पहन लेती हैं, तो आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो. इसमें क्या एग्जाम्पल दोगे कि अगर हम सेक्स को चेंज कराते हैं तो उसमें सारी थेरेपीज वगैरह करानी पड़ती है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो इसलिए ये सेम रहता है, इसमें कोई वो नहीं. नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूँ तो सोशली कंस्ट्रक्टेड. मैंने पहले भी बताया कि जेंडर जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड टर्म है, सोसाइटी ने बनाया है, लेकिन ये है हमारा बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड टर्म. असाइन हो गया तो हो गया. नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी चेंज. जेंडर को हम चेंज कर सकते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज, बट सेक्स को चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट है. जो मैंने बताया ट्रांसप्लांटेशन वगैरह होता ही होता है. नेक्स्ट पॉइंट है कि जो जेंडर से रिलेटेड डिसीज होती हैं वो होती है जेंडर डिस्फोरिया. जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है कि और जेंडर आइडेंटिटी, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग या कोई भी पर्सन उसको अपनी आइडेंटिटी पहचानने में मुश्किल हो जाती है, वो उसको समझ नहीं आता, वो कन्फ्यूज हो जाता है कि क्या मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ, तो होता है जेंडर डिस्फोरिया. सेक्स से रिलेटेड जो डिसीज होती है वो STDs मीन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ये सब होती हैं. तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स, और कंसेप्ट ऑफ जेंडर में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. स्टिल अगर आपको कंसेप्ट ऑफ जेंडर में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर इससे रिलेटेड डिफरेंस में भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है, देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें.